कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी होता है। भाइयों बहनों, अभी 26 नवंबर की तिथि आएगी, 26 नवंबर की तिथि, इसी दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के संविधान को लिखने का कार्य पूरा किया था और इस तिथि को प्रधानमंत्री मोदी जी ने संविधान दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया। यह सम्मेलन भारत के प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित कर सके, उसके प्रति इस भाव को अभिव्यक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की, केंद्र की, मोदी जी की सरकार के द्वारा चलाए गए इस अभियान को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कृतित्व को, व्यक्तित्व को देश और दुनिया के सामने और आने वाली पीढ़ी के सामने रखने का एक सशक्त माध्यम प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां इसके या इस कार्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ाया, वही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थों को आने वाली पीढ़ी के लिए महातीर्थ के रूप में, प्रेरणा केंद्र के रूप में स्थापित किया। भैया बहनों, पहले सरकारें 2014 के पहले जाति मत मजहब के आधार पर योजनाओं का लाभ चेहरा देख करके देती थी। मोदी जी ने विकास की योजनाओं का लाभ गरीब को, वंचित को, दलित को, महिलाओं को, नौजवानों को, अन्नदाता किसानों को उसका आधार बनाकर के योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने का कार्य किया। आज परिणाम हमारे सामने है, योजनाओं का लाभ जिस तत्परता के साथ प्राप्त हो रहा है, उसका सर्वाधिक आवासीय योजना का लाभ हमारा अनुसूचित जाति और जनजाति के बंधुओं को प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश में 55 लाख गरीबों को हमने इस योजना का लाभ दिया। देश के अंदर 4 करोड़ लोग इस योजना से लाभान्वित हुए। उत्तर प्रदेश के अंदर 3.25 करोड़ गरीबों को शौचालय मिले। देश के अंदर 10 करोड़ गरीबों को शौचालय मिले। उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ गरीबों को राशन की सुविधा का फ्री में लाभ मिल रहा है। देश के अंदर 80 करोड़ गरीबों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 1.75 करोड़ गरीबों को फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर कनेक्शन मिले। देश के अंदर यही संख्या बढ़कर के 9 करोड़ है और उत्तर प्रदेश की उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मैं खुशखबरी दे रहा हूं, हमारी सरकार ने तय किया है कि दीपावली और होली को एक एक फ्री में सिलेंडर उनको उपलब्ध करवाने का कार्य, भरा हुआ सिलेंडर उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने का एक माध्यम है हमारा। और भाइयों बहनों, इसमें कोई भेद किसी के साथ नहीं। आज जो मैं बोलने के आया हूं वो ये कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर, इसमें ज्यादातर महिलाएं हैं और उनमें भी ज्यादातर अनुसूचित जाति की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिला है। उत्तर प्रदेश के अंदर 14 लाख गरीबों को इस योजना से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत जो जहां मकान है वहीं पर जमीन का पट्टा उसके नाम पर होगा और इस योजना में 75 लाख गरीब इस योजना से प्रदेश के अंदर लाभान्वित हो चुके हैं और दिसंबर 2023 तक 1.25 करोड़ गरीबों को इस योजना के साथ जोड़ने के बड़े लक्ष्य के साथ सरकार कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, आज जब हम लोग गोरखपुर के इस महान सम्मेलन के माध्यम से इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, इस अवसर पर गोरखपुर को 271 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी प्राप्त हो रही है। ये योजनाएं गोरखपुर जनपद के लिए आज है, हर जनपद के लिए इसी प्रकार से बनाई गई है। इसमें सड़क भी है, स्कूली शिक्षा का भी है, स्वास्थ्य का भी है, पेयजल का भी है, ड्रेनेज का भी है, ग्राम सचिवालय का भी है, तकनीकी शिक्षा का भी है और सर्वांगीण विकास से जुड़े हुए वे सभी कार्यक्रम हैं जिनके माध्यम से प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है।
इंसेफ्लाइटिस की बीमारी की चपेट में था। इससे सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे प्रभावित होते थे। आप भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार के द्वारा ही संभव हो पाया है कि जिस इंसेफ्लाइटिस से हर वर्ष 1200 से 1500 बच्चों की मौत होती थी, आज वे इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह समाप्त करके उन बच्चों को भी जीने का अधिकार दिया गया। आज बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंचाने का कार्य हुआ है। और मैं यही आश्वस्त करने के लिए आया हूं, हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने तय किया है, अभी 15 नवंबर आएगा, ये जनजातीय दिवस के रूप में 15 नवंबर की तिथि को मनाया जाएगा। गरीब को जहां पे उसका मकान है, अगर आरक्षित श्रेणी की भूमि नहीं, तो उस भूमि का पट्टा उसी के नाम पर बन करके फिर उसे वहीं पर आवास की सुविधा का लाभ भी दिया जाएगा। हमारी सरकार ने तय किया है कि हर जनपद में अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े हुए बच्चों के लिए अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं में बच्चों को भी आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके, इसको और अच्छे ढंग से प्रोफेशनल तरीके से इसे आगे बढ़ाने का कार्य हम प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, जिससे अनुसूचित जाति जनजाति का कोई भी नौजवान अपने आप को विकसित महसूस न कर सके। अनुसूचित जाति के नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए, एक तरफ समाज कल्याण विभाग के द्वारा चलने वाले छात्रावासों की व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, उनके सुंदरीकरण के लिए सरकार ने भरपूर धनराशि उपलब्ध करवाने की कार्रवाई प्रारंभ की है, तो दूसरी ओर सरकार का यह भी निर्णय है कि उच्च शिक्षा के अध्ययन के लिए देश के किसी भी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में और दुनिया के किसी भी बड़े संस्थान में अनुसूचित जाति का युवा अगर वहां पढ़ने के लिए जाएगा, उत्तर प्रदेश के युवा को उत्तर प्रदेश सरकार स्कॉलरशिप देने का कार्य करेगी। और इसके लिए लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, ये डबल इंजन की सरकार है, इसकी विकास की स्पीड ही डबल स्पीड नहीं है, बल्कि यह बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ भी आपको पूरी तत्परता के साथ देने के लिए पूरी तत्परता के साथ तैयार है। और आज का यह अनुसूचित जाति का महासम्मेलन इस बात का प्रतीक है। मैं इस अवसर पर जब हम लोग इस सम्मेलन के माध्यम से उन पूर्वजों के प्रति जिन्होंने कभी महर्षि वाल्मीकि के रूप में हमें रामायण ग्रंथ दिया, जिन्होंने कभी इस देश में महाभारत जैसा पवित्र ग्रंथ दिया, जिन ऋषियों ने मध्य काल में मन चंगा को कठोती में गंगा का एक संदेश हम सबको दिया और जाति पाति पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर का होई का संदेश दिया था, जिन महापुरुषों ने भारत के अंदर सामाजिक न्याय की व्यवस्था को विकास के साथ जोड़ने का कार्य किया और जिन महापुरुषों ने देश की आजादी अपने सामाजिक अपमान को सहते हुए भी देश को आजाद बनाने में अपना सर्वस्व निछावर किया है, और सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं एक बार फिर से गोरखपुर क्षेत्र के प्रत्येक जनपद से आए हुए आप सभी बंधुओं का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। 271 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए बधाई देता हूँ और आप सबको दीपावली और छठ की मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए यहाँ के प्रदेश के अनुसूचित जाति के अध्यक्ष श्री रामचंद्र कनौजिया और उनकी पूरी टीम को बधाई देते हुए कि उन्होंने सफलतापूर्वक इन आयोजनों को प्रदेश में संपन्न करके हलचल पैदा की है, इस हलचल को और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय जय श्री राम।